आगरा में 14 बीघा जमीन के लालच में अपने ही मां बाप की हत्या के आरोप में अपने भाई भाभी और उसके दोस्त को जेल भेजना 8 साल बाद वादी को भारी पड़ गया। अदालत ने झूठी गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वादी को 302 और 194 धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। 8 साल बाद भले ही मुजरिमों को न्याय मिला हो और वो रिहा हो गए हों, पर मुकदमे में जेल काट रहे दोस्त की जिंदगी अब तबाह हो चुकी है। एनसीसी में अव्वल सर्टिफिकेट धारक चेतन ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में था और जेल में ही उसकी उम्र निकल गई। जघन्य हत्याकांड में 2 बार हाईकोर्ट से बेल नामंजूर हुई और 8 साल उसे सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अब पीड़ित वादी पर मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस रात को आई और मेरे बच्चे को जगा कर ले गई और हमको मर्डर केस में खुशी हमको बहुत है। न्याय पर हमारी आस्था जगी है, पहले भी थी और आगे भी है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने कड़े केस में हमारी बच्ची को फंसाया है और बच्चा बच गया है, लेकिन हमारा बच्चा बच गया। हम सत्य की जीत होती है, तराजू की तरह न्यायाधीश ने तोल दिया है। 2009 में एक भाई ने दूसरे भाई व उसके दोस्त के खिलाफ ये आरोप लगाया कि उसने, भाई ने और दोस्त ने उसके माँ बाप का गोली मार के हत्या करी है, और इसका कारण बताया कि बाप ने एक बेनाम एक वसीयत जो की थी उसकी वाइफ के नाम, वादी की वाइफ के नाम, और इसलिए उसको हड़पने की नीयत से उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया। पर आरोप लगाया अपने भाई पर और उसके दोस्त पर और उसकी जेठानी मतलब बड़े भाई की वाइफ पर, तीनों पर आरोप लगाए। इस पर केस चला और केस में अदालत ने अप्रत्याशित जजमेंट ये दिया है कि उन्होंने ये पाया कि वादी ने ही अपने माँ बाप का कत्ल किया है, वही दोषी है, और इसने न्यायालय में झूठी गवाही अपने भाई व उसकी दोस्त और उसकी वाइफ को सजा दिलाने की नीयत से दी है, इसलिए अदालत ने उसको धारा 319 के अंतर्गत 302 में तलब किया और धारा 194 के अंतर्गत झूठी गवाही देने के सिलसिले में प्रोसिक्यूट किया।